स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज ट्राइंगल चैप्टर 6। तो इस चैप्टर के बेसिक में ऐसा कुछ है नहीं। ट्राइंगल आप पहले भी पढ़ चुके अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो इसमें आगे थ्योरम्स तो आएंगी। वैसे फिलहाल मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 इसमें बता देती हूँ। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं इसमें, वो आप देखेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनके मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी, तो आप लोग वो आंसर्स अपने नोट डाउन करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपसे पूछा गया है ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक, तो ऑल सर्कल्स आर इसमें आएगा सिमिलर। इसमें सेकेंड पार्ट है All squares are also similar, ठीक है, तो इसमें भी आप क्या फिलअप करेंगे, सिमिलर। इसमें थर्ड पार्ट आता है ऑल फिर ब्लैंक है देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये आएगा। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ऑलवेज, तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं उनके ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सो वही जो ट्राइंगल होते हैं वो आपके सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। आइसोसेलस तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, नेक्स्ट इसमें जो फोर्थ पार्ट आता है दैट इज टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इक्वल फिलअप करेंगे यहाँ पे देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में आपका सिमिलर आएगा और सेकेंड में आएगा प्रोपोर्शनल। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट है सिमिलर फिगर्स का आपको एक एग्जांपल देना है। देखिए आप इसमें क्या ले सकते हैं, वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं आपको, जैसे मैंने भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया उसी का मैं एग्जांपल दूंगी तो आपके लिए समझना और इजी हो जाएगा। तो आप देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ये है, ठीक है, और दूसरा थोड़ा सा इस लार्ज ट्रायंगल ले लीजिए, ये हो गया आपका एबीसी, दिस इज पी क्यू आर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल यानी कि 60 degree ऑल द एंगल्स, ठीक है, हियर विल ऑल्सो बी 60 degree। साइड इसमें क्या कीजिए, 4 centimeter ले लीजिए, ये भी बन हो जाएगी, ये भी बन हो जाएगी, और इसमें क्या कीजिए, आपने थोड़ा सा लार्ज लिया तो इसमें या तो 1.5 ले लीजिए या 2 centimeter ले लीजिए। तो ये जो आपके दो मैंने ट्राइंगल्स बनाए इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, एक आपका जो है वो है 1 centimeter में और दूसरा है 2 centimeter में। ओके, तो ये जो आपके हो जाएंगे ये सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप एनदर एग्जांपल दो रेक्टेंगल्स ले सकते हैं उनको शो कर सकते हैं, या फिर दो आप स्क्वायर्स ले सकते हैं उनको शो कर सकते हैं, ठीक है। बस आप क्या करना, उनमें साइड थोड़ा सा ऊपर नीचे रखना, 1 रखेंगे तो 1.5 रखना दूसरे की और या फिर 2 रखना, ऐसे आप स्क्वायर रेक्टेंगल कोई भी एग्जांपल्स टाइप का आप ले सकते हैं सिमिलर फिगर्स के लिए। और दूसरा आता है आपका इसमें नॉन सिमिलर फिगर्स में आप क्या करेंगे, कोई भी ले लीजिए, इसमें या तो एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर ले लीजिए या फिर एक ट्राइंगल ले लीजिए उसके साथ एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, ठीक है। जैसे एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज लुकिंग लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसके साथ एक या तो आप ये ले लीजिए पैरेललोग्राम ले लीजिए, ठीक है, या फिर इसके साथ आप एक काम कीजिए, ये एक रेक्टेंगल ले लीजिए, इसके साथ एक स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नेमिंग करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, ये ए बी सी, ये पी क्यू और एस, ठीक है, ये ए बी सी डी, ये पी क्यू
आर एस, ठीक है। इनमें थोड़ा सा साइड भी शो कर देना, तो ये आपका जो इतना पोर्शन है ये आपका नॉन सिमिलर का फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, और ये रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, अब इसमें आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, आपको दो वो दिए हैं क्वाड्रिलेटरल्स, यू हैव टू जस्ट टेल कि वो सिमिलर है या नहीं है, साथ में आपको रीजन भी पता होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट जो फिगर है वो पैरेललोग्राम का है, जिसमें साइड्स 1.5 सेंटीमीटर है, और सेकंड जो आपका डायग्राम है वो आपका है स्क्वायर का। ठीक है, ये है आपका स्क्वायर, इसमें साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर ईच साइड, एंगल्स आपको पता ही है स्क्वायर के ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका पैरेललोग्राम, ये हो गया आपका पी क्यू आर एस, ये 1.5 सेंटीमीटर ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये दो फिगर्स जो हैं सिमिलर हैं या नहीं है। तो देखिए, इट इज टू मच क्लियर कि दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर, बिकॉज देखो आपका साइड्स में तो फिर भी रेशो आ रहा है 1:2, बट जो आपका एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका अलग है और इसका एंगल अलग है, इनमें आपस में कोई एसच क्लियरिफिकेशन नहीं है, ये एंगल्स इनके इक्वल नहीं हो सकते ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी, दीज विल नॉट बी सिमिलर। ओके, तो ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ओनली 3 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स तो मैंने आपको अर्ली बता दिए, सेकंड में आपको सिमिलर और नॉन सिमिलर फिगर्स बताने थे एग्जाम्पल, थर्ड में आपको इन दोनों फिगर्स का बताना था कि दीज फिगर्स आर सिमिलर और नॉट। ओके, तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, अब हम अपनी सेकेंड क्लास में इसकी थ्योरम्स करेंगे, थ्योरम्स हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।